दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ किचन के टिप्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ पांच, जो आपके लाइफ को बहुत ही इजी बना देगी। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कुछ टिप्स पता होगी, लेकिन अगर आप इस पांच टिप्स को फॉलो करोगे तो मे बी आपकी लाइफ थोड़ी ईजी बन जाएगी। दोस्तों हमारा फर्स्ट टिप है, जब हम भिंडी बनाते हैं तो भिंडी थोड़ी चिपक जाती है और जब फ्राई करते हैं उस टाइम पे, तो अगर आपकी भिंडी बहुत चिपकती है, रेगुलर पर्सन जो होता है वो खाना बनाते हैं वो बना लेता है, लेकिन अगर आप न्यू बिगनर हो तो आपको थोड़ी कठिनाई होती होगी। तो दोस्तों आप जब भिंडी बनाते हो उसमें आप सिट्रिक एसिड मीन्स लेमन का जूस या फिर विनेगर थोड़ा सा ऐड करोगे हाफ स्पून तक, तो दोस्तों आपकी भिंडी बहुत ही क्रिस्पी और डिफरेंट अलग अलग बनेगी, चिपकेगी थोड़ी भी नहीं और बहुत ही टेस्टी लगेगी। दोस्तों अगला हमारा टिप है कि हम हमारे पल्सेस दाल जो होते हैं उसे हम स्टोर करते हैं उसमें थोड़े कीड़े पड़ जाते हैं, और अगर आपको एक साल तक भी स्टोर करना हो तो दोस्तों उसमें आप जो बे लीव्स होते हैं उसे तेज पत्ता उसे आप उसमें डालोगे, एक तेज पत्ता लीजिए और जो कंटेनर होता है उस कंटेनर में उसे डाल के आप अच्छे से क्लोज करके रख दीजिए। एक साल के बाद भी आप निकालोगे तो आपके जो पल्सेस होते हैं वो बहुत ही अच्छे से और फ्रेश रहेंगे। अगला होता है हमारे मसाले, इसको हमें स्टोर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग साल के लिए मसाला एक बार के पीस के लिए रखते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यूज़फुल होगी। जब आप ऐसे स्टोर करते हो उसमें आपको एक हींग का अक्खा हींग जो होता है रॉ हींग होता है उसे अगर आप एक ये लेके आप उसमें रख दोगे तो दोस्तों आपके जो मसाले हैं वो बहुत मतलब एक साल तक भी वो बहुत ही फ्रेश और अच्छे रहेंगे। हमारा फोर्थ टिप है कि जब हम हमारे पल्सेस को उबालते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत टाइम लगता है, चना बिना भी वो थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम पे अगर आप पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालोगे कुकर में और उसी के साथ उसे आप उबलोगे तो दोस्तों वो बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से उबल जाएंगे। अगला टिप्स है हमारा, जब हम ऑनियन और गार्लिक्स को बहुत सारे क्वांटिटीज़ में जब हम छीलते हैं, स्मॉल ऑनियन्स आप बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, उसमें डिफरेंट बहुत ही कठिन होता है उसे आप क्लीन करने के लिए, तो अगर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो तो जस्ट एक बार उसे तवा में या फिर कढ़ाई में फ्राई कर लीजिएगा लाइटली थोड़ा गर्म होने के बाद, और उसके बाद उसे क्लीन करके देखिए, बहुत ही फास्टली क्लीन हो जाएगा। अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़